फुटबॉल और को मौका नेपाल को लागी अंदर। नमस्कार दोस्तों, नेपाल के महिला फुटबॉल टीम ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, नेपाल ने 6th वुमेन्स SAFF चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट में अपने दूसरे मैच में श्रीलंका को 6-0 से हराकर इतिहास रच दिया। सोमवार को त्रिपुरेश्वर के दशरथ स्टेडियम में हुए मुकाबले में नेपाल ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज की। इससे पहले मेजबान नेपाल ने टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में भूटान को हराया था। आज जीत के साथ नेपाल सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ये नेपाल के लिए बहुत बड़ी बात है और इस बार नेपाल वुमेन्स SAFF चैंपियनशिप में ट्रॉफी जीतने का चांस पूरा दिख रहा है। जिस तरह से नेपाल के महिला फुटबॉल टीम 6-0 से श्रीलंका को हरा दिया है, सोमवार को खेले गए मैच में नेपाल के जीत में अमीषा कार्की ने 2 गोल किए, जबकि सारू लिम्बू, रश्मि कुमारी घिसिंग, अमृता जैसी और दीपा साही ने 1-1 गोल किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वुमेन्स SAFF चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट में नेपाल की जीत होगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। ओनली नेपाल।